के श व केशव। लड़कों ने इन्हें अपने इन्हें नहीं आई इसे अपना एल्बम में अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने कॉपियों और किताबों में टीप लिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को हम कम से कम रीडिंग लेवल तक लेके आ जाएंगे। अगर क्वालिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत छोटी बात लगती है, क्योंकि एक तरफ दुनिया में कंप्यूटर एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन की बात हो रही है, साइंटिफिक एजुकेशन की बात हो रही है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को। पर लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, हमें अपनी सच्चाई भी स्वीकार करनी चाहिए। जब तक हम अपनी सच्चाई स्वीकार करके उस पर काम नहीं करना शुरू करेंगे तो दुनिया भर में हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करते रहें उसका कोई फायदा नहीं है ढोल बजाने का। कैसा लग रहा है बच्चों? स्कूल जैसा तो नहीं लग रहा, बोरिंग? मजा आ रहा है? पहले क्यों नहीं पढ़ पाते थे? पहले हमें ना अक्षरों का ज्ञान नहीं था। अच्छा, अब हो गया? यस सर। पहले भी तो क्लास तो ऐसी लगती थी पहले भी। यस सर, हम मात्र पहले पढ़ लेते थे पर अटक अटक के पढ़ पाते थे धीरे धीरे से। आप पूरा पढ़ पाते हो? बहुत अच्छी तरह से अक्षरों की पहचान ले रहे हैं, मात्राएं लगा दे तो उनका उच्चारण, मात्राओं की बात क्या होगा वो कर ले जा रहे हैं। लर्निंग कल्चर सर डेवलप सर, बच्चों में विश्वास आया। वो अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं, अब आप हमें मैथ्स कब सिखाओगे, अब आप हमें इंग्लिश कब सिखाओगे? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ना आ गया तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, स्किल के लिए भी कह रहे हैं। जबरदस्त, आई थिंक स्किल्स के लिए भी। सर ये कंटिन्यू होना चाहिए, जैसे संडे का दिन है तो आसपास की कम्युनिटी के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, वो अपनी जगह बहुत काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ कम्युनिटी को शायद पहली बार ये एहसास हुआ है कि यस हमारी इन्वॉल्वमेंट स्कूल में है, चाहे वो रीडिंग मेले के मार्फत थी, चाहे वो मेगा पीटीएम के मार्फत थी। अब कम्युनिटी के लोगों को ये लगने लगा है कि हाँ स्कूल में कम्युनिटी की भी जरूरत होती है और हमें उतने रिस्पेक्ट मिलती है स्कूल में जो कि जरूरत थी, पहले नहीं थी। टीचर्स में भी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, टीचर्स भी मान के बैठे थे कि ये पीछे के जो तीन चार लाइन है ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनको सोने दो, अगर ये सो रहे हैं तो क्लास में शांति है। अब वो टीचर को लग रहा है कि हाँ हर बच्चा पढ़ सकता है, उस बच्चे को जिसको आते उन्होंने बुलाया नहीं या पास में नहीं बिठाया, अब वो बच्चा आ रहा है और पढ़ रहा है अगर इस लेवल पे आके, तो टीचर्स का भी परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है बच्चों के लिए, खासकर जो टीचर इन्वॉल्व थे नॉन रीडर बच्चों के साथ, उनकी बात स्पेशली मैं कर रहा हूँ। टीचिंग प्रोफेशन में मैं 36 साल से 14 साल मैंने एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाया और 22 साल से मैंने मेंटर टीचर में आने से पहले 22 साल मैंने टीजीटी डायरेक्टरेट में पढ़ाया, लेकिन मुझे ये कहने में कतई संतोष नहीं है कि मेंटर टीचर में आने से पहले केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जो पढ़ना जानते थे। मेंटर टीचर में आने के बाद मैंने वो सब तरीके सीखे कि कैसे जो पढ़ना नहीं जानते उनको भी कैसे पढ़ाया जा सकता है, और ऐसा स्वयं नहीं मैंने अनेक टीचर्स को तरीका बड़े बड़े तरीके ये बताए कि जिनको पढ़ना नहीं आता उनको छठी सातवीं आठवीं और नौवीं
कक्षा में पहुंच जाने के बावजूद किस प्रकार से उनको बढ़िया तरीके से पढ़ना सिखाया जा सकता है। मैं ये मानता हूं कि मेंटर टीचर में आने के कारण से मेरे ऊपर 36 साल का जो ऋण था मैं उससे पूर्ण हो रहा हूँ। आओ बच्चों हम सब मिलकर शपथ ले कि रोज पढ़ेंगे और सबकी पढ़ने में मदद करेंगे।